नमस्कार, मैं प्रिया, धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम के विरोध में दायर अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। शीर्ष अदालत में अगले सप्ताह गर्मियों की छुट्टियां समाप्त होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में एयरफोर्स कर्मियों का कहना है कि इसके चलते उनका करियर 20 साल के बजाय महज 4 साल का ही हो जाएगा। याचिका दायर करने वाले एडवोकेट ML शर्मा ने कहा कि मेरी अर्जी है कि सरकार की तरफ से भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसे कैंसिल किया जाए। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में बहुमत हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे के शिवसेना के मुकाबले शिंदे सेना ने सत्ता के फाइनल में भी जीत हासिल कर ली है। महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत जीतने के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में वोटिंग के दौरान ईडी के नारे लगाए जाने पर कहा कि हां, महाराष्ट्र में ईडी की मदद से सरकार बनी है। भाजपा के निलंबित सदस्य नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस से अखिलेश के खिलाफ एक्शन लेने की अपील की है। शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी की थी। भारत में बीते हफ्ते कोरोना के 1 लाख से अधिक नए केस मिले हैं। पिछले 4 महीने में हफ्ते भर में सामने आए मामलों की ये सबसे बड़ी संख्या है। इन दिनों महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संक्रमण दर में गिरावट देखी गई है, जबकि बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बिहार में केस बढ़ रहे हैं। 27 जून से 3 जुलाई के बीच कोरोना के एक्टिव केस 1.1 लाख के पार चले गए हैं। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने रविवार को पानीपत में कार्यक्रम में कहा कि पहले सरकार ने किसानों को बर्बाद किया और अब वो सैनिकों को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम गलत है और इससे सैनिकों को बड़ा नुकसान होगा। पानीपत के सिंक गांव में आयोजित कार्यक्रम में मलिक खाप के एक कार्यक्रम में उन्होंने ये बातें कही। अरुणाचल प्रदेश के कुरुंग कुमे में 2 महत्वपूर्ण रणनीतिक जगहों को जोड़ने वाला पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। ये पुल भारत चीन सीमा के पास स्थित था। बोर्ड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है। कोरुरो गांव के पास ओयोंग नदी पर बना ये पुल कोलोरियांग से डैमिन को जोड़ता है, जो कि भारत चीन सीमा के लिए बड़ा लिंक है। पीटीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इंडिगो के 55% केबिन क्रू ने बीमारी की छुट्टी ले ली है। ऐसे में विमान सेवा प्रभावित हो रही है और विमान स्केड्यूल में देरी से उड़ान भर रहे हैं। शनिवार को एयरलाइन का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। मंत्रालय के मुताबिक केवल 45.2% सेवाएं दी गई है। भारत का तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद बनकर उभरा है और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपने पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों को बदलना चाहता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से निर्मित तेजस ने प्रतिस्पर्धा में शामिल चीनी और दक्षिण कोरियाई विमानों को पछाड़ दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा में बड़ी सेंध लगने का मामला सामने आया है। कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता के घर पर एक अनजान शख्स घुस गया था। यह घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति दीवार फांदकर मुख्यमंत्री निवास में घुस गया था और वो पूरी रात के अंदर वहीं घर के अंदर रहा। सुबह के समय जब पुलिसकर्मियों की निगाह उस पर पड़ी तो उसे गिरफ्तार किया गया। नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 1 दर्जन से अधिक आतंकवादी लॉन्च पैड फिर से सक्रिय होने की खुफिया रिपोर्ट मिली है। इसके बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल अलर्ट पर है। न्यूज एजेंसी ANI ने एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के खुफिया इनपुट का हवाला देते हुए बताया कि लगभग 200 आतंकवादी POK में इस लॉन्च पैड पर जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने का इंतजार कर रहे हैं। खालसा एड के फाउंडर रविंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह के ट्विटर अकाउंट को भारत में बैन कर दिया गया है। इस बारे में उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर जानकारी दी। उन्होंने ट्विटर पर बैन हो चुके अकाउंट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा कि मेरा ट्विटर अकाउंट भारत में बैन हो गया है। भाजपा के नेतृत्व में यह लोकतंत्र का असल चेहरा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि अब हमारी आवाज और बुलंद होगी। मुंबई की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं पूर्व सांसद किरीट सौम्या की पत्नी मेधा सौम्या द्वारा दायर मानहानि के शिकायत के मामले में शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत के पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ सोमवार को जमानती वारंट जारी किया है। दिल्ली में हो रही बारिश की वजह से मौसम ठंडा हो चुका है, जिससे लोगों को राहत मिली है। राजस्थान के अधिकांश इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड में मॉनसून के दस्तक देने के साथ ही प्रदेश में भूस्खलन को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। केरल के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की गई। झारखंड में सभी जिलों में आज बारिश की संभावना है। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के 16,135 मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 24 मरीजों की जान गई है। रविवार को दिल्ली में कोविड-19 के 648 नए मामले सामने आए हैं, जबकि केरल में कोरोना संक्रमण के 3,322 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में सोमवार सुबह एक बड़ी खबर आई। यहां पर एक दुर्घटना में 16 लोगों की मौत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में नजर आ रहा है कि वहां पर राहत बचाव का काम जारी है। घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा है, जिसे नियंत्रित करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में रविवार को भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान बनाने के लिए सरकार 5 बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आत्मनिर्भरता के लिए पीएम मोदी ने 5F फार्म फाइबर फैक्ट्री फैशन और फॉरन का मंत्र भी दिया। जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस ने अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर पर्यटकों और तीर्थयात्रियों और ट्रक की आवाजाही के लिए रविवार को एक परामर्श जारी किया है। परामर्श के मुताबिक 10 पहियों तक के खाली टैंकर और ट्रक मुगल रोड होकर जम्मू जाएंगे। ताजा और जल्द खराब होने वाले वस्तुओं की ढुलाई कर रहे 10 पहियों तक के ट्रक माल से भरे हुए जम्मू की तरफ जाने के लिए मुगल रोड का इस्तेमाल करेंगे। भारत का तेजस हल्का लड़ाकू विमान मलेशिया की पहली पसंद बनकर उभरा है और ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपने पुराने हो चुके लड़ाकू विमानों को बदलना चाहता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड निर्मित तेजस ने प्रतिस्पर्धा में शामिल चीनी और दक्षिण कोरियाई विमानों को पछाड़ दिया है। HAL के चेयरमैन ने कहा है कि चीनी विमान JF-17, दक्षिण कोरिया विमान FA-50 और रूस के MiG-35 और Yak-130 से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद भी मलेशिया ने तेजस पर भरोसा जताया है। गीतकार जावेद अख्तर ने एक्टर कंगना रनौत के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया है। आज कंगना मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुई है। जावेद अख्तर ने नवंबर 2020 में शिकायत दर्ज करवाई थी। उन्होंने दावा किया था कि एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कंगना ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला बयान दिया था, इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। डेनमार्क के कोपेनहेगन शहर के एक शॉपिंग मॉल में रविवार देर रात फायरिंग हुई। फायरिंग में 3 लोगों के जान जाने की खबर सामने आई है। 4 लोग घायल हो गए हैं, इनमें से 3 लोगों की हालत नाजुक बताई गई है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इस मामले में एक 22 साल के डैनिश युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक परेशानियों से जूझ रहा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के एक्स फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी को जमानत दे दी है। सिद्धार्थ पिठानी को एक्टर की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले साल गिरफ्तार हुए सिद्धार्थ को जस्टिस भारती डांगरे ने 50,000 रुपए का निजी बॉन्ड भरने की शर्त पर जमानत का आदेश दिया है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने 21 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीत लिया है। ये इवेंट रविवार 3 अप्रैल देर रात मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था। राजस्थान की रूबल शेखावत फर्स्ट रनर अप रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की रहने वाली श्रीनाथ चौहान सेकंड रनर अप रही। केंद्र सरकार ने 5 साल के लंबे परामर्श के बाद सोशल मीडिया पर नफरती कंटेंट रोकने के लिए एंटी हेट स्पीच कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अन्य देशों के कानून और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को अगले 2 महीने में केंद्र और राज्य सरकार के 5 विभागों से लगभग 20,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। इसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इसमें राजस्थान शिक्षा विभाग में 272, इंडियन आर्मी में 458, IBPS में 6,035, DRDO में 630 और अग्निवीर योजना के तहत 15,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। मोटो G42 को आज भारत में लॉन्च कर दिया गया है। नया स्मार्टफोन बजट सेगमेंट में मोटोरोला का लेटेस्ट मॉडल है। ये मोटो G41 का सक्सेसर भी है। फोन में IP52 रेटर वाटर रेपलेंट रेटिंग दी गई है। ये फोन को पानी में डैमेज होने से बचाता है। मोटो G42 में 20.9 एस्पेक्ट रेशियो अमोल्ड डिस्प्ले और ट्रिपल रियर कैमरे के साथ आता है। स्मार्टफोन भी एक ऑक्टा कोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 SoC पर चलता है और इसमें 20 वॉट फास्ट चार्जिंग शामिल है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रात के 3:30 बजे के करीब राजधानी के पारस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था। दरअसल लालू प्रसाद रविवार शाम पूर्व CM राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित आवास में सीढ़ियों से फिसल गए, जिसके कारण उनके दाहिने कंधे और कुल्हे में चोट आई थी। बताया जा रहा है कि उनके कंधे की हड्डी में माइनर फ्रैक्चर भी है, लेकिन अब उन्हें वापस से छोड़ दिया गया है। आगामी वर्ष यानी कि 2023 में नागालैंड में विधानसभा चुनाव होना है। जदयू की तरफ से भी तैयारी शुरू हो गई है। अभी हाल ही में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पूरी टीम के साथ नागालैंड का दौरा करने पहुंचे थे। बिहार में एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। पहले खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह कोरोना पॉजिटिव हुई थी और अब जो जानकारी निकल करके सामने आई है उसके मुताबिक नीतीश कुमार के नजदीक शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे टेस्ट मैच में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रह चुके विराट कोहली का डांसिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इससे भी ज्यादा वायरल हो रहा है वीरेंद्र सहवाग का उनके इस वीडियो पे कमेंट करना। यूजर इतने ज्यादा भड़क गए हैं कि वो वीरेंद्र सहवाग को कमेंट्री से हटने तक की सलाह दे रहे हैं। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, अवधेश कुमार, आलोक कुमार आर्य, अखिलेश यादव, के सिन्हा, नुन्नू कुमार, निशांत सिंह, जितेंद्र कुमार, ताकीर खालिद। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार महाराष्ट्र में हुए सत्ता परिवर्तन से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश
देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।